तो आज है संडे और सारा मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी मैं रेडी करूँगी एक थाली जो कि है सिंपल सी थाली एकदम, कुछ ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं करने वाली। और यहाँ पे मेघा ने नहला दिया है लड्डू को। क्या हुआ? अभी मैं बना लेती हूँ लंच, क्योंकि सुबह भी ऐसे ही नाश्ता हुआ है नॉर्मली सा, तो अभी लंच बनाती हूँ मैं। और आम भी ले लिए हैं। आम पता नहीं कैसे आ रहे हैं ना, अंदर से थोड़े गले गले से निकल रहे हैं। आपको कितना भी अच्छा आम ले लो देख के, लेकिन है ना वो अंदर से कई बार ब्लैक या फिर थोड़ा सा पिलपिला सा निकल रहा है। बट ले लिए हैं, अभी लास्ट है, अब तो चला जाएगा। और अभी बस मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी और रोटी, और साथ में बनाऊंगी बहुत ही यम्मी टेस्टी डेजर्ट जो कि सबको पसंद आता है। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी। ये बनाऊँगी मैं थोड़ी सी ढीली ढाली सी, क्योंकि साथ में जो है मिर्च फ्राई करूँगी, क्योंकि ये मिर्च थोड़ी सी सूखी साइड होती है, तो इसीलिए मैं आलू बैंगन थोड़े से गीले बनाऊँगी, मतलब तरी वाले बनाऊँगी। और यहाँ पे जो ये मसाला भुना था मैंने, धनिया और जो सौंफ, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और इधर जो है मैंने कुकर में तेल चढ़ाया, उसके बाद मैंने हींग और जीरा डाल के अच्छे से छौंक लगाया, उसके अंदर टमाटर डाल दिए और बेसिक मसाले, नमक मिर्च हल्दी लाल मिर्च और गरम मसाला और धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्का सा आमचूर पाउडर भी डाला था, क्योंकि टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो खटास थोड़ी कम रहती है एक टमाटर से, इसलिए थोड़ा सा आमचूर यूज़ कर लेती हूँ मैं। टेस्टी सब्जी बनती है अगर आमचूर का यूज़ करते हैं तो, थोड़े सी कम साइड पे, मतलब हल्का सा। और यहाँ पे है जो मैं 2 कप जितना पानी इसमें डाल दूँगी, ताकि ये थोड़ी सी लटपटी सी बन जाए। और इस चूल्हे को खाली करके मैं साइड में चढ़ाऊँगी कुकर को, और यहाँ पे मैं मिर्च फ्राई करने के लिए रखूँगी। और मिर्च को पहले मैं भरूँगी अच्छे से, जिसके लिए वो मसाला जो मैंने बनाया था वो रेडी कर लिया था। इसमें मैंने नमक हल्दी और आमचूर पाउडर डाल के अच्छे से जो है ये मिर्च के अंदर, ये जो पेस्ट मतलब बनाया था उसके अंदर जो है गरम गरम तेल डाल दिया था, और उसके बाद हाथों से मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा ध्यान से मिक्स करना होता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो बट गरम गरम में ही इसे मिक्स करना होता है, बट थोड़ा ध्यान से। सारी जो मिर्च है इनको अच्छे से मैं भर लूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं इसको करने वाली हूँ फ्राई। देखिए एकदम अच्छे से फिल कर लेनी है, थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। मिर्चों को जो है अच्छे से पहले मैंने धो के सुखा रखा था, गीली गीली मिर्च पे ना भरे, धो के पहले अच्छे से सुखा लें या कपड़े से पोंछ लें और फिर चीरा लगा के इसमें भरे। आप अचार खाना भूल जाएंगे अगर ये मिर्च ट्राई करेंगे एक बार, तो बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ पे जो है मिर्च को भी मैं सेम जो धीमी आंच पे अच्छे से सेकती रहूँगी, और एक साइड चढ़ा दूँगी मैं अब मिर्च, और दूसरी साइड में चढ़ाऊँगी खीर बनने के लिए। यहाँ पे मैं सेवइयों की खीर बनाने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल देसी स्टाइल। सिर्फ जो है थोड़ी सी जो है इस पे मैंने हरी इलायची डाली थी, और बस वही ज़रा सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो गया। थोड़ी सी नज़र हटी और सारा जो है खीर वो उबल के बाहर आ गया, तो दूध थोड़ा कम हो गया, मैंने फिर दूध और मिला दिया था। और यहाँ पे मेरी बन चुकी थी थाली, जहाँ पे मैंने बनाया था आलू बैंगन की थोड़ी सी ढीली ढाली सी सब्जी, और यहाँ हरी इलायची वाली सेवइयों की खीर, और यहाँ पे मैंने जो है भरवा जो है मिर्च बनाई थी, और साथ में रोटी सर्व करी थी। आज चावल नहीं बनाए थे। अरे बाप रे, इतनी गर्मी, मतलब इतनी बारिश, कौन कह सकता है कि इतनी बारिश हुई है? मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा दम घुटने लगा, इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी हद से ज्यादा, मतलब इतना सा खाना बनाते बनाते मेरे तो छक्के छूट गए, बस ये लगा लो, कहते हैं ना बहुत गर्मी, मेरे पूरे बाल, ये देख रहे हो आप, ये पूरे बाल ये पसीने से लथपथ सारे, ये देख लो, मतलब पूरा 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 स्वेट एकदम, मतलब खाना बनाने का तो दिल ही नहीं कर। मेरे कहने पे ना ये मिर्च बना के जरूर ट्राई करना, फैन हो जाओगे मत सीरियसली। करना मत करना एक बार जरूर ट्राई करना, सीरियसली कह रही हूँ। तो हो चुकी थी शाम, और यहाँ पे हमने बना ली थी चाय। ये मग आप देख रहे हैं, मोटू पतलू वाला, बड़ा ही अच्छा ये सुंदर दिखने वाला मग है। और यहाँ मेघा और मैं चाय एंजॉय करेंगे। और पहले जो है मैंने इसे बोला
कि लड्डू गोपाल को जो है भोग लगा दे रस का, उन्होंने भी तो नहीं खाया, तो चाय और रस का भोग लगा रही थी वो लड्डू गोपाल को। यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ देख रही थी फ़ोन में। तो गाइस इसी के साथ मैं आ जाती हूँ इस वीडियो के एंड पर। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।